कोरोना से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे। राजस्थान के पाली में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई और उसके बाद मृत्यु भोज का आयोजन हुआ, लेकिन भोज के बीच में ही प्रशासनिक टीम पहुंच गई। ये तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां एक मृत्यु भोज के बीच ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई और फिर सैकड़ों लोगों के लिए तैयार भोजन को जब्त कर गरीबों में बांट दिया। इस तस्वीर में देखिए लोग कैसे बेपरवाह होकर एक कमरे में बैठकर मृत्यु भोज खा रहे हैं। ना तो किसी को कोई डर है, ना ही किसी को प्रशासनिक चेतावनी की चिंता, और तो और लोग खुद अपनी जान की भी चिंता नहीं कर रहे। मृत्यु भोज के दौरान गांव के लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे, तभी प्रशासनिक टीम पहुंची और आयोजन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल पाली के सोजत रोड के बेरा बाग में एक शख्स के भाई की कोरोना से मृत्यु हो गई, फिर प्रशासन की पाबंदी के बावजूद 300 लोगों के लिए मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। जहां भोज का इंतजाम किया गया था, वहां ना तो किसी के मुंह पर मास्क था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। प्रशासन को इस भोज की जैसे ही जानकारी मिली, एक टीम मौके पर पहुंच गई। तहसीलदार की टीम के मौके पर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो मौके से भाग गए, लेकिन कुछ लोग घरों के कमरों और छतों पर छुप गए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर हालात इस तरह से खराब हो रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले थे, जो अब बढ़कर 700 से ज्यादा हो गए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद सरकार ने इसे महामारी घोषित किया। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार को ब्लैक फंगस के 153 नए मामले दर्ज किए गए। 26 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के 620 मामले थे। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। दिल्ली में व्हाइट फंगस का भी एक मामला सामने आया है। व्हाइट फंगस का जो मामला दिल्ली में सामने आया, उसकी वजह से एक महिला की आंतों में छेद हो गए। व्हाइट फंगस से शरीर को पहुंचे ऐसे नुकसान का ये दुनिया में पहला केस बताया जाता है। इस मामले में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने बताया कि व्हाइट फंगस से पहले पीड़ित महिला कैंसर से पीड़ित थी और कुछ वक्त पहले ही उसकी कीमोथेरेपी भी हुई थी। अब जिस तरह से फंगस के केस मिल रहे हैं, उसके बाद से सरकार की चिंता बढ़ गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।